पिथौरागढ़ में प्राइवेट स्कूल संचालकों की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। विवेकानंद इंटर कॉलेज की बस को नशे में धुत चालक ने पुलिस की यातायात नियंत्रण चौकी से टकरा दिया। इस घटना के वक्त बस में 35 से ज्यादा छात्र मौजूद थे। नशे में धुत चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। घटना के बाद अभिभावकों के साथ ही मौजूद लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर बवाल काटा। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि चालक का मेडिकल करवाया जा रहा है, जिसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीते दिनों पिथौरागढ़ में एक छात्र की मौत उसी स्कूल बस की चपेट में आने से हो चुकी है, लेकिन फिर भी स्कूल प्रबंधन ने कोई भी सबक नहीं लिया और शराबी चालकों के हाथों मासूम की जिंदगियां छोड़ी जा रही हैं। पता चला कि भाई ड्राइवर तो बिल्कुल धुत की स्थिति में है, तो हम लोग उतरे और हमने देखा कि भाई गाड़ी के अंदर 37 बच्चे थे और बच्चे चिल्ला रहे थे, तो हमने देखना पुलिस एक घंटे तक पुलिस नहीं आ पा रही यहाँ पे। और इससे पहले भी एक महीने पहले एक दुर्घटना हुई थी, उससे भी अभी तक सबक नहीं मिल रहा स्कूल प्रशासन को। इसको जो है लेके गए हैं यहाँ पे, अभी घटना हुई है और इसको रोक लिया गया है, ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है, मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। जो भी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है उसमें जैसे भी होगा बात की जा रही है, स्कूल प्रशासन से भी बात कर ली गई है। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।